रामपुर में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर गांव के ही युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान युवती ने शोर मचा दिया, जिसके बाद पीड़ित लड़की का छोटा भाई मौके पर आ गया। भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी जमकर मारपीट की, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गई। घटना की शिकायत एसपी रामपुर से की गई है। वहीं एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने इस मामले की जांच कर कार्यवाही के आदेश थाना कैमेरी पुलिस को दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था तुम्हारी बहन के साथ? जब हल्ला मचा था तो हम गए थे वहाँ पे, हमारी मार भी लगाई थी उसने। अच्छा, क्या हुआ? हुआ क्या था? कौन लोग घुसे घर में, क्या हुआ था? रामपाल और रामचरण बाहर थे और वो भूरा नाम भी हरपाल वो घर के अंदर घुस गया था। फिर जब शोर मचा था तो हम वहाँ पर पहुँचे थे, फिर तो उनने हमारी मार लगाई थी बाद में, तो भाग गए थे। तो कोई गलत नियत से घुसे थे? हाँ। पुलिस आ गई थी? पुलिस तो बाद में आई थी। कार्रवाई हो रही है इसमें अब? हाँ। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। एसपी साहब से मिलना है अब? कल मैं घर पे कर ली थी और रामचरण और रामपाल घर के बाहर था गेट पे, और उनका लड़का भूरा, हरपाल भी कहते हैं भूरा भी कहते हैं, वो मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, तब मेरा छोटा भाई आ गया था। ये तो फिर भाग गए? हाँ, अब मैंने शोर मचाया तब मेरा ये भाई आ गया था, तब और भी पड़ोसी भी आ गए। पुलिस को बुलाया था मौके पे? उसके बाद मतलब भाग गया था, पुलिस आ गई थी मौके पे, तब वो लड़के को ले गई थी पकड़। अब तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है ना? अब कहाँ आई हो? अब रामपुर। किससे मिली हो? कहो के एसपी साहब के पास आए, उनसे फरियाद करी लगाई है, न्याय मिले कार्रवाई के खिलाफ। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।